नमस्कार दोस्तों, डिवाइन रेज यूट्यूब चैनल में मैं तनुजा हीर पाठक आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, हम हमेशा किसी विशेष विषय पर बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम एक सामान्य विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अतिशय आवश्यक व ज्ञानवर्धक है। आज का विषय है सबसे कीमती और मूल्यवान चीज समय। यह अदृश्य है और इसकी टिक टिक पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। हमारे वर्तमान जीवन की एकमात्र संपत्ति समय है। दूसरे शब्दों में समय ही धन है और समय ही सब कुछ। समय के महत्व को लोग अक्सर समय के बीत जाने पर समझते हैं। समय हमें मुफ्त में मिलता है लेकिन अमूल्य है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते लेकिन उपयोग कर सकते हैं। हम वक्त को रख नहीं सकते लेकिन खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जब एक बार हम समय को खो देते हैं तो इसे वापस नहीं पा सकते। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग निराशामय जिंदगी जी रहे हैं और वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई चमत्कार होगा जो उनकी निराशामय जिंदगी को बदल देगा। नज़रअंदाज ना करें, वह चमत्कार आज व अभी इसी वक्त शुरू होगा। और उस चमत्कार को करने वाला कौन है? मित्रों, उस चमत्कार को करने वाले आप ही हैं, क्योंकि उस चमत्कार को आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इस शुभ कार्य के लिए हमें अपनी सोच व मान्यताओं या बिलीव्स को बदलना होगा। किसी ने खूब फरमाया है, हमारे साथ वही होता है जो हम मानते हैं। यानी सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। सोच को बदलने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो पहला बिंदु है आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस से आशय है स्वयं पर विश्वास एवं नियंत्रण, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना उतना ही आवश्यक है जितना किसी फूल में खुशबू का होना या सुगंध का होना। आत्मविश्वास के बगैर हमारी जिंदगी एक जिंदा लाश के समान हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह आत्मविश्वास के बिना कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास ही सफलता या सक्सेस की नींव है। आत्मविश्वास की कमी के कारण व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य पर संदेह करता है। आत्मविश्वास उसी व्यक्ति के पास होता है जो स्वयं से संतुष्ट होता है एवं जिसके पास दृढ़ निश्चय, मेहनत व लगन, साहस, वचनबद्धता आदि संस्कारों की संपत्ति होती है। अब प्रश्न यह आता है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं या हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहला, स्वयं पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। लक्ष्य बनाएं, मेक स्मार्ट गोल्स एवं उन्हें पूरा करने के लिए वचनबद्ध रहें। जब आप अपने द्वारा किए गए लक्ष्य या गोल्स को पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट है, खुश रहें, बी हैप्पी। खुद को प्रेरित करें, मोटिवेट योरसेल्फ। असफलता से दुखी न होकर उससे सीख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंसेस से ही आता है। तीसरा बिंदु है, सकारात्मक सोच रखें या थिंक पॉजिटिव। विनम्र रहें एवं दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य एवं विचार से करें। स्टार्टिंग द डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। चौथा बिंदु है, इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफल होने का डर है। एवं डर को हटाना है तो वह कार्य अवश्य करें जिससे आपको डर लगता है। पांचवा बिंदु है, सच बोलें, ईमानदार रहें, धूम्रपान ना करें, प्रकृति से जुड़ें, अच्छे कार्य करें, जरूरतमंदों की मदद करें। बी हेल्पफुल टू एवरीवन, क्योंकि ऐसे कार्य आपको सकारात्मक शक्ति या पॉजिटिव पावर देते हैं। वहीं दूसरी ओर गलत कार्य एवं बुरी आदतें आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। छठा बिंदु है, वह कार्य करें जिसमें आपकी रुचि हो एवं कोशिश करें कि अपने करियर को उस दिशा में आगे ले जाएं जिस कार्य में आपकी रुचि हो। ऐसा ना हो जिसमें आप रुचि ना लेते हो और उस कार्य को करने में आप अपना अमूल्य समय बर्बाद करते। सातवां बिंदु है,
वर्तमान में जिए, लिव इन प्रेजेंट, सकारात्मक सोचें, थिंक पॉजिटिव, अच्छे मित्र बनाएं, बच्चों से दोस्ती करें, अपनों से बड़ों का मान सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, समय समय पर आत्म मंथन या आत्म चिंतन करें, जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि सही राह पर हैं या गलत राह पर। आठवां बिंदु है मेहनत एवं लगन, हार्ड वर्क एंड फोकस। दोस्तों, किसी विद्वान ने कहा है कि कामयाबी मेहनत से पहले केवल शब्दकोश में मिल सकती है। मेहनत या हार्ड वर्क का अर्थ है केवल शारीरिक काम से नहीं है, मेहनत शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार से हो सकती है। अनुभव यह कहता है कि मानसिक मेहनत शारीरिक मेहनत से ज्यादा मूल्यवान होती है। कुछ लोग लक्ष्य या टारगेट्स को बहुत बड़ा बना देते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते और फिर अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में असफलता आना स्वाभाविक है। दोस्तों, मेहनत व लगन से बड़े से बड़ा मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बीच में आने वाली बाधाओं को पार करना होगा, मेहनत करनी होगी, बार बार दृढ़ निश्चय से कोशिश करनी होगी। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। आखिरी एवं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशल व्यक्ति जहाँ भी जाए वह वहाँ के वातावरण को खुशियों से भर देता है और ऐसे लोगों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। व्यवहार कुशल लोग नम्रता व मुस्कुराहट या स्माइल के साथ व्यवहार करते हैं एवं हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। शिष्टाचार ही सबसे उत्तम सुंदरता है, जिसके बिना व्यक्ति केवल स्वयं तक सीमित हो जाता है एवं समाज उसे स्वार्थी नाम दे देता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप आपके जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ाने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपने व्यवहार कुशलता का जादू सीख लिया है। उत्तम चरित्र व्यवहार कुशलता की नींव है एवं चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी शिष्टाचारी नहीं बन सकता। ध्यान दें, चरित्र व्यक्ति की परछाई होती है एवं समाज में व्यक्ति को चेहरे से नहीं बल्कि उसके उत्तम चरित्र से पहचाना जाता है। उत्तम चरित्र का निर्माण नैतिक मूल्यों, संस्कारों, शिक्षा एवं आदतों से होता है। हमारे जीवन में वाणी का भी अहम स्थान है। वाणी में वह शक्ति है जो वातावरण में मिठास घोलकर उसे खुशियों से परिवर्तित कर देती है। Words can change the world या शब्द संसार बदल सकते हैं। हमेशा सोच समझ कर बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना, व्यर्थ की बातें न करना, हमेशा अच्छाई खोजना, दूसरों की तारीफ करना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना एवं उससे महत्व देना, विनम्र रहना, गलतियां स्वीकार करना इत्यादि मीठी वाणी के कुछ बेसिक नियम हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन बेसिक नियमों का दिल से पालन करें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। शुक्रिया।